हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने नहाया है और नहा के मैं अपना बाल झाड़ रही हूँ ताकि बाल अच्छे से सूख जाए, क्योंकि ये बाल ना ऐसे तो मेरा बाल जल्दी सूख जाता है कभी कभी, अभी धूप तो कम ही उगता है धूप तो इसलिए मैं बाल सुखा लेती हूँ पहले। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाऊंगी। तो ये मैं ये थिनर है नेल पेंट छुड़ाने का। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, मतलब कोई सा भी कपड़ा, छोटा पुराना धुराना में से कोई मैं काट ली हूँ। और उसके सहायता से हम यहाँ पे दवाई लेंगे, दवाई के ले के थिनर, उसके बाद हम सारा नेल पेंट को छुड़ा लेंगे। नेल पेंट ना आसानी से छूट जाता है। और जब ये कोई कलर पे लगाया हुआ कलर पे अगर लगा लेंगे ना, तो कोई भी कलर आपको निखर के नहीं आएगा और नहीं दिखेगा और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए हम सारे को पहले हम छुड़ा लेते हैं पूरे उंगली को। छुड़ाने के बाद ये देखिए ब्लू हेवन का, वही मैं दिखा रही थी। तो ये ब्लू हेवन का ना बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा एक बार लेंगे ना तो आपको पूरा उंगली में छूट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे हम नेल पेंट लगा लेते हैं। और मैंने एक लिया था, मतलब ऐसे ही लोकल लिया था कहीं बाजार बाजार में, 10 रुपये का लिया था, लेकिन काम तो कर रहा था लेकिन बार बार एक उंगली में लगाओ तो फिर लो इस तरीके से हो रहा था, मतलब बहुत लेना पड़ता था। इसमें होता है तो ये कंपनी का है तो एक बार में ही हो जाता है। यहाँ पर हम सभी उंगली में लगा लेते हैं नेल पेंट। और मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था, और कभी कभी ना मेरा महीना भी लग जाता है, कभी 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके से हम लगाते हैं। और ज़्यादा इस सब पे ध्यान भी नहीं रहता, अपने पर खुद पे, बच्चे के साथ रहते हैं ना तो खुद पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। हर लेडीज़ के साथ होता है, मेरी साथ नहीं हर लेडी के साथ होता है कि बच्चे के साथ अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, तो वही मैं दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम बाल बना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी ना बाल बना रही हूँ, पहले बाल बना लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। और ये वाला स्वेटर देख रहा है ना, ये वाला कैसी है? ये स्वेटर जो है ना मैंने खुद बनाया है, अपने हाथ से ही बनाया है। तो अगले एक दो साल हो गया, तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। यहाँ पे नीचे मानसी है। और अभी चेहरे पर धूप आ रहा है ना, तो ऐसे हो रहा है। तो मैं बाल बना लेती हूँ उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे शाम हो गया था, सामने बढ़िया हो गया था जैसे 4-5, तो 4-5 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे आ गए थे सब्जी लेके हाट से मेरे सासू मम्मी। तो मेरे घर में बाजार उजार मतलब वही करती हैं, सासी करती है सारा कुछ, तो वही लेके आ गए थे। तो मैं सब्ज़ी को हटा रही हूँ, तो इसमें मटर है पन्नी में, और उसके बाद ये साग वाला प्याज लाए हैं। तो इस वाला साग का ना मैं सोच रही कुछ बनाऊं कोई रेसिपी, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी अगर बनाई तो। और ये ताज़ा ताज़ा गोभी टमाटर ये पन्नी समय जो है नीचे ना, इसमें मसाले हैं छोटे छोटे, जो मसाले होते हैं चीनी गुड़ और जो जीरा उड़ा ये सब मसाले वसाले ये सब है। तो सभी को मैं ऊपर रख देती हूँ, मसाले जिसमें रखती हूँ उसमें, और सब्ज़ी सबको यहीं पे रख देती हूँ। उसके बाद खाना भी तो बनाना है। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद सूट पहनी हूँ, तो ये जो बड़ा बाजू का सूट है ना, कोई कोई सूट रहता है ना कि गर्मी में आपको बहुत गर्म लगता है, तो मैं सोच के एक दो निकाल लेती हूँ ठंडी में पहन के और इसको ख़त्म कर देंगे। और तो मैंने निकाल लिया है एक दो। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आयुष आ गए हैं छत पे, थोड़ा थोड़ा नीचे ना बहुत ठंडा लगता रहता है, तो नीचे धूप जल्दी नहीं आता है। तो हम आयुष आ गए थे ऊपर छत पे, और ये जो बाज़ार से लेके आए थे खाने के लिए जो भी क्या बोलते हैं बड़ी चौप कचरी ये सब गाँव के में ही मिलता है ये सब, तो बाज़ार जाते हैं तो ले कर आते हैं। तो वही हम आयुष बैठ के खा रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे तो आयुष से, तो वो आप लोग को ना दिखा रहे थे कि ये खा लो इस तरीके से, तो उसको समझाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए वो फेंक रहा है जो मिर्ची जो रहता है, मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाता है। और ये देखिए ये अब मुझको भी देगा, वो बोला कि तुम खाओ तो उसके बाद हम खाएंगे। ये देखिए और अभी मेरा आवाज़ ना बिल्कुल भी चेंज हो चुका है, क्योंकि मुझे ना सर्दी बहुत हो रखा है, तो बिल्कुल भी कई दिन से पता नहीं सर्दी छूटी नहीं रहा है। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है तो बताना घरेलू उपाय, ऐसे दवाई खा के भी थक गई हूँ। और
ये देखिए हाय कर रहा है, यू से हाय बाय लाइक, ये पता नहीं जो क्या क्या बोल रहा है, देखिए मस्ती से क्या क्या कर रहा है। तो उसको मस्ती सो जाता है, वो भी पूछता है कि कैमरा चालू है, कैमरा में कुछ है, तो उसको भी मस्ती करने का मूड रहता है। तो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। उसके बाद ये देखिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे हमको नाश्ता हो रहा है, नाश्ता करने के बाद चलेंगे नीचे। अब नीचे चलने के बाद यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे बता रही हूँ ये क्या आलू बथुआ की सब्ज़ी। अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी आप लोग के साथ बथुआ का सब्ज़ी बनेगा। तो यहाँ पे हमने आलू जो भी फोरन में डालते हैं तड़का में, प्याज मिर्ची जीरा वो जो भी वो सब डाल के उसके बाद आलू को फ्राई कर लेंगे। और आलू को फ्राई होने के बाद, थोड़ी सी फ्राई होने के बाद उसके बाद हम ये बथुआ डालेंगे। और बथुआ ये मेरा छोटा छोटा बथुआ था ना, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया धो के। अगर आप लोग के पास अगर बड़ा बड़ा बथुआ है तो बड़ा बथुआ को आप काट सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में चाकू से। तो और यहाँ पे हमने मसाले कुछ लिया है, मरीच, काली मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी जीरा, ये सबको हम पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं वीडियो ना काफ़ी स्पीड कर दी हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो ना कोई देखते नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो एंजॉय करिए, पूरा देखिए, कि हर यूट्यूबर ना वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात ज़रूर रहता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ वीडियो बना के डाल दिए। तो हर चीज़ काम का रहता है हमारे वीडियो में खास के। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, जो सूखे मसाले डाल दिए हैं, और उसके बाद वो वाला मसाला जो पीसे से वो डाल दिए हैं। और इसका खुशबू ना इतना अच्छा आ रहा था, इतना मतलब अच्छा लग रहा था इसका खुशबू सूंघने में, यहाँ पे मिलाने में, कि जिसका खुशबू अच्छा है तो इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी डाल दिए थे थोड़ा सा, उसके बाद हम पका लिए थे। यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो चुका है मेरा बथुआ आलू का सब्ज़ी। तो आप लोग भी मेरे कहने पे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाप से ना वीडियो देख भी नहीं रहा था। और ये हम और ये देखिए उसके बाद हमने थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे, क्योंकि धनिया पत्ता तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे आयुष और मानसी का चल रहा है मस्ती। तो चलिए फ्रेंड, इन लोगों का मस्ती देख लीजिए, और मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। इनके दादी, इसके दादी सोए हुए हैं, दादी के साथ मस्ती कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए, ये बच्चे और के साथ तो चलता रहता है। और आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।